हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये मैथमेटिक्स का लेक्चर है। मैथमेटिक्स में जो है हम बात कर रहे थे वो एज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो एज से रिलेटेड जो है ये अगला लेक्चर हम आपके सामने लेके आए हैं। तो इसमें देखते हैं, इसका जो है पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं, 6 वर्ष पूर्व जो है माँ की आयु पुत्र की आयु से 18 वर्ष अधिक है और दोनों की आयु का एक प्रकार से वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है और 6 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितनी होगी। 6 वर्ष पहले माँ की आयु कितनी रही होगी, चीज की यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सपेक्टेड आंसर आएगा। ठीक है, देखिए कैसे एक्सपेक्टेड आएगा। इसमें कह रहे हैं कि 6 वर्ष पूर्व जो है उसके पुत्र की आयु 18 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु से 18 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष पहले जो है माँ की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 18 वर्ष ज्यादा है, तो जो भी है, और वर्तमान में जो है उनकी आयु दोनों की आयु का योग 30 है, तो जाहिर सी बात है कि 18 वर्ष जो है अधिक है 6 वर्ष पूर्व माँ की। वर्तमान में जो उनकी आयु है वो कितनी दे रखे हैं यहाँ पे 30 वर्ष दे रखे हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ भी आए यहाँ पे, लेकिन आंसर जो है वो कम से कम हम लेंगे। देखिए, कम से कम जो है 6 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु 6 वर्ष बड़ी होगी, माता की भी आयु 6 वर्ष बड़ी होगी, दोनों की आयु जो है 12 वर्ष बड़ी होगी, और 30 वर्ष जो है 6 वर्ष बाद 30 वर्ष उन दोनों की आयु हो गई, दोनों का योग जो है वो 30 वर्ष का है। तो इसका मतलब ये है कि 12 अगर जो घटा देंगे तो 18 वर्ष आ जाएगा। ये 18 वर्ष आएगा, ये 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु और माता की आयु दोनों की आयु शामिल है, तो 18 वर्ष यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कोई 18 वर्ष या इससे कम आंसर दिया हो वही इसका सही आंसर होगा। तो या तो 18 हो सकती है या इससे कम होगी, क्योंकि इसमें दोनों की आयु शामिल है। या तो पुत्र 0 का हो, मतलब पैदा ही ना हुआ हो उस समय उसकी एज ही ना हो, तो ये चीज यहाँ पे जो है बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कोई आंसर दिया नहीं है ऐसा, तो यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 4 वर्ष पूर्व जो है ए और बी की आयु का योग मतलब अनुपात दिया गया है। 4 वर्ष पहले जो है उनकी आयु का अनुपात दिया है, ठीक, और उसके बाद कह रहे हैं 4 वर्ष बाद। अब यहाँ पे देखिए, 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो कुछ भी आपको यहाँ पे दिया हो, जैसे मान लेते ये वर्तमान है, इसके 4 वर्ष पहले, तो इसके 4 वर्ष पहले और इसके 4 वर्ष बाद, तो इन दोनों के 4 वर्ष पहले के और 4 वर्ष बाद के बीच में जो समय का अंतर है वो 8 साल का है। ठीक है, समय का अंतर कितना है 8 साल का, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में हमको 8 साल का गैप बनाना है। मतलब इनके जो अनुपात दिए गए हैं इनके बीच में 8 साल का गैप बनाना है। तो यहाँ पे देखना है 11 दिया गया, यहाँ पे 14 दिया गया, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे दिया गया 13, यहाँ पे दिया गया 16, इनके इनके बीच अंतर जो है 2 है, इनके इनके बीच अंतर जो है 2 है, अंतर दोनों में समान आएगा तभी यह आंसर आएगा। अब देखिए, दोनों में समान अंतर आ रहा है, तो हमको बनाना क्या है, इसको 8 वर्ष बनाना है, तो इसको हम 4 से गुणा कर दें, इसको हम 4 से गुणा कर दें, इसको हम 4 से गुणा कर दें, तो ये 8 साल का अंतर हो जाएगा दोनों के बीच में। ये वर्तमान से 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया था, ये वर्तमान से 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया था, इन दोनों के बीच में अंतर कितना था 8 साल का, तो 8 साल का हमने ये गैप निकाल लिया। 4 का 2 गुना 8, 2 गुना 8, अब इसका 11 चौके 44, तो यहाँ पे 44 आ जाएगा, यहाँ पे मतलब 14 चौके 56 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 16 चौके 64 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13 चौके 52। तो हमसे पूछा क्या था, एक ही वर्तमान आयु कितनी है, ये 4 वर्ष पहले की आयु निकली है 44 वर्ष, एक ही 4 वर्ष पहले की, वर्तमान से 4 वर्ष पहले की 44 वर्ष, तो 4 वर्ष और जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी 48 वर्ष, तो एक ही जो वर्तमान आयु है 48 वर्ष जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। रमा और श्यामा की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 4:5 दिया गया है, इनकी वर्तमान आयु दिया गया है 4:5, ठीक है, उसके बाद में कह रहे हैं 5 वर्ष बाद की उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। देखिए 4:5, फिर कह रहे हैं 5:6,
इन दोनों का सबका अंतर देखिए, पहला ऊपर वाला दोनों छोटे होने चाहिए, नीचे वाले दोनों बड़े होने चाहिए, ठीक है, अंतर समान होना चाहिए। अंतर देखिए सब में समान आ रहा है, एक एक का अंतर आ रहा है। ऊपर वाला छोटा होना चाहिए क्योंकि ये 4 वर्ष 5 वर्ष पहले की आयु है, ठीक है, 5 वर्ष पहले की आयु जो है यहाँ पे बात कर रहे थे, 5 वर्ष पहले की आयु है तो छोटी होगी, नीचे वाली बड़ी होगी, तो अंतर उनका जो है समान आना चाहिए क्योंकि समय दोनों में बराबर बराबर होगा। अगर जो 4 वर्ष इसमें बढ़े होंगे तो 4 वर्ष इसमें बढ़े होंगे, यहाँ पे 5 वर्ष कह रहे हैं तो 5 वर्ष अगर जो इसमें बढ़े होंगे तो 5 वर्ष इसमें बढ़े होंगे, इसका मतलब एक यूनिट 5 के बराबर, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 का बूढ़ा कर देंगे, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, तो यहाँ पे 20 और 25 रमा की वर्तमान आयु, रमा जो है पहले थी, रमा की वर्तमान आयु जो है कितनी आ जाएगी 20 वर्ष, क्योंकि 4 पंजे 20 होता है तो 4 पंजे 20 हमने कर दिया, तो यहाँ 20 वर्ष जो है वर्तमान आयु जो है इसकी निकल आई। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहे हैं, 4 वर्ष पहले एक पिता जो है और पुत्र, सॉरी यहाँ पे एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है इतना दिया गया है, पिता पुत्र की आयु का अंतर जो है 26 वर्ष है, अंतर जो है 26 वर्ष है, तो वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जिस क्वेश्चन में आंसर जो यहाँ पे अंतर दिया मतलब रेशियो दिया गया होगा, उनका ही अंतर जो होता है वो निकलेगा। अब देखिए इसका अंतर यहाँ पे कितना दिख रहा है, 19 वर्ष दिख रहा है, ये हमने 19 ले लिया और इसमें दे दिया 6, अगर जो इसका अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 13 आ जाएगा। अब बोलो इसमें 4 वर्ष जोड़ दोगे तो 9 4 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 6 4 कितना हो जाएगा, 10 होगा, तब भी अंतर इनका कितना होगा, 4 वर्ष बाद उनके जो है अंतर कितना, वो फिर भी 13 रहा, तो अंतर कभी नहीं बदलता है, ठीक है, चाहे 4 वर्ष पहले का दिया हो, अनुपात का अंतर नहीं बदलता है, लेकिन अनुपात में समान चीजें जोड़ी या समान चीजें घटाई जाए, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे अंतर जो दे दिया गया है, अंतर को हमने यहाँ पे मॉनिटर कर रख लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 6 यहाँ इनका अंतर जो निकल आया वो 13 13 जो अंतर है ये 26 वर्ष के बराबर है, तो एक यूनिट इसका किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, 13 का 2 गुना 26 बटे 13 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, एक यूनिट बराबर 2 के है, तो यहाँ पे जो 19 है उसका 2 गुना होगा 38, और उसके बाद में 6 है तो 6 का 2 गुना होगा 12, तो जो आयु निकलेगी वो 38 और 12 निकलेगी, आयु कितनी निकलेगी, 38 और 12 निकलेगी। अभी देखिए इसको क्या कर देते हैं, आयु निकल के आ रही है 38 और 12, आयु निकली है 38 और प्लस यहाँ पे 12। अब उसके बाद में कह रहे हैं यदि तो वर्तमान आयु बताइए, अब यहाँ पे 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात ये दिए थे, वर्तमान आयु 4 वर्ष बाद होगी तो इसमें 4 जुड़ेगा तभी वर्तमान निकलेगी, तो 4 इसमें जोड़ो, 4 इसमें जोड़ो, तो 4 इसमें जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 42, और जब 4 इसमें जोड़ोगे तो 12 4 कितना आ जाएगा 16, इसको इससे डिवाइड कर दोगे 2 बार जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 21, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो आंसर जो आएगा 21:8 पहला वाला जो है इसका सही आंसर बता रहा होगा और बाकी इसका जो है सही आंसर नहीं होगा। तो ये लेक्चर यहीं हम समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर जो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत